वस्त्र धारण करवाए गए, व्यास गद्दी बनाई गई और सामने परीक्षित जी को बिठाया गया। परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न कहा कि महाराज गुरुदेव, पहले तो आप सृष्टि के विस्तार का प्रसंग बताइएगा। सृष्टि का विस्तार प्रचार कैसे हुआ, हमें विधि पूर्वक समझाइएगा गुरुदेव। अब जैसे ही ये प्रश्न किया है श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने, तो श्री सुखदेव जी हंसने लगे और बोले, परीक्षित कथा कहने के लिए तो मैं बैठ गया लेकिन मंगलाचार करना भूल गया। मेरे भाइयों, तो श्री सुखदेव जी ने देर नहीं किया, 12 श्लोकों में उस विधाता का मंगलाचरण किया है और उसके बाद में परीक्षित जी से पूछा कि क्या पूछना चाहते हो। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैं यही पूछना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, विस्तार से सुनाइएगा। और यही प्रश्न एक बार नारद ऋषि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने के बाद में बैठे हुए थे, नारद ऋषि आ गए, बोले पिताजी हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि तुम अभी तपस्या कर रहे थे तो किनकी कर रहे थे, क्या तुमसे भी बड़ा कोई देवता है। ब्रह्मा जी हंस करके बोले हैं, अरे पगले नारद, क्या हो हम क्या हो तुम, सबके ऊपर वो विधाता है। विराट नारायण थे इस पृथ्वी पर, पृथ्वी ये थी ही नहीं, यहां पर सब जल ही जल था। ब्रह्मा जी नारद को समझा करके बोले हैं, नारद जहां पर तुम बैठे हो यहां पहले सब जल ही जल था, सिर्फ विराट नारायण प्रभु थे, वो भी निराकार थे, उनका कोई आकार नहीं था। उन्होंने विचार किया, अगर हम साकार बन जाएं तो आनंद ही आ जाएगा। साकार बनने की चेष्टा की विराट नारायण प्रभु ने, तो उनके नाभि से कमल निकला और उस कमल में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे ही जल के ऊपर, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे थे, इधर उधर देखने लगे, कोई नजर नहीं आया, सब जल ही जल है। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, हमारा पिता कौन है, हमारी मां कौन है। बहुत खोजने का प्रयास किया, पता ही नहीं लगा। तब तक एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में बस दो ही शब्द सुनाई पड़े ब्रह्मा जी को। अब वो शब्द कौन से थे, एक ता और एक पा। ब्रह्मा जी समझ गए इसका मतलब हमें तपस्या करना है। ब्रह्मा जी ने देर नहीं किया, तुरंत ही तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही तपस्या करना प्रारंभ किया, विराट नारायण प्रभु ने दर्शन दिया और उनका
ब्रह्मा जी का नाम रखते हैं कि जाओ तुम विधाता के नाम से जाने जाओगे। ब्रह्मा जी हंस करके बोले कि प्रभु इतना ऊंचा इतनी ऊंची पदवी हमें क्यों दे रहे हो? अरे विधाता का नाम हमें दे रहे हो? विधाता का नाम पाकर के अगर हमें अहंकार आ गया, घमंड आ गया तो? नारायण प्रभु बोले तुम्हें अहंकार आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अहंकार उसे ही आता है जिसे मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। और तुम्हें तो हमारे स्वरूप का ज्ञान हो चुका है। और ये भैया सत्य बात है, ऊंट कब तक अहंकार करता है, कब तक घमंड में रहता है? जब तक वो पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता है। जिस दिन वो पहाड़ के नीचे आ जाता है, अब घूम करके देखता है, कहता है राम राम हमसे भी बड़ा कोई है। तो जिसे भगवान का स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसे अहंकार आ ही नहीं सकता है। ऐसे ही एक भैया जी थे हमारे गुरुजी के पास आए और मैं भी बैठा था, तो गुरुजी ने उनका परिचय पूछा, भैया आप कहाँ रहते हो? उन्होंने जवाब दिया मैं हरदोई जिला में रहता हूं। क्या नाम है? बोले हमारा नाम भी सीताराम, मैं बड़ा धनवान हूं। अब गुरुजी को बोलने भी नहीं दिया, अपना परिचय देने लगे सीताराम। बोले मैं बड़ा धनवान हूं, हरदोई में आना और हमारा महल संगमरमर का बना है, मैं करोड़पति हूं, हमारे महल के ऊपर लाल झंडा लगा हुआ है। अब हरदोई को छोड़ो, यूपी में सबसे बड़ा मैं धनवान हूं। बहुत बढ़ता जा रहा था। अब गुरुजी के थोड़ा क्रोध आ गया, हमारे गुरुजी कुछ हटके हैं, क्रोध आ ही जाता है। उन्होंने कहा बेटा क्या तुम्हारे पास पंचांग है, विश्व पंचांग? बोले नहीं गुरुजी। गुरुजी ने जवाब दिया जाओ मैं दुकान बता रहा हूं, वहां से लेकर के आओ। सीताराम को दुकान पे भेजा, विश्व पंचांग लेकर के आ गए, गुरुजी के सामने बैठ गए। गुरुजी बोले इस पंचांग को जरा खोलो। अब सीताराम ने उस विश्व पंचांग को खोला, उसमें नक्शा बना हुआ था। गुरुजी ने जवाब दिया यहां पर इस नक्शे में देखो भैया, भारतवर्ष कहां पर है? तो सीताराम ने जवाब दिया कि गुरुजी भारतवर्ष यहां पर है, थोड़ा सा दिख रहा था। गुरुजी ने जवाब दिया आप जरा देखो तुम्हारा जिला कहां पर है? तो जिला बहुत हल्का हल्का दिख रहा था, बहुत हल्का, तिनका जैसा। सीताराम ने जवाब दिया गुरुजी बहुत हल्का तिनका जैसा दिख रहा है मेरा जिला। गुरुजी बोले अपनी तहसील देखो जरा। अब तहसील देखना बहुत प्रयास किया, बहुत जूम करने का प्रयास किया, लेकिन तहसील दिखी ही नहीं। सीताराम ने कहा कि गुरुजी तहसील तो हमारा दिख ही नहीं रहा है। गुरुजी बोले जरा अपना गांव देखो, अपना मोहल्ला देखो और अपना मकान देखो, कहां पर तुम्हारा संगमरमर का महल बना, कहां पर झंडा लगा है, हमें भी दिखाओ। सीताराम बोले गुरुजी कैसी आप बात कर रहे हो, अरे ये विश्व पंचांग है, यहां पर हमारा गांव नगर मोहल्ला और ये हमारा घर कैसे दिखेगा? गुरुजी बोले पागल, जब विश्व पंचांग के बारे में तू खोज नहीं पा रहा है तो पूरे ब्रह्मांड के बारे में क्या खोजेगा खाक? याद रखना भाइयों, अहंकार कभी भी मत करना। ये जो तुम बैठे हो
इस चोले पे, इस तन पे हम आप घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, ये भी